नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज का विषय है मिरर, लुकिंग ग्लास यानी दर्पण। हर घर के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिशा में दर्पण जरूर लगा होता है, और दर्पण के बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं और बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी जरूर मिलते हैं। जैसे फ़ायदा होता है वैसे नुकसान भी होता है, उसके एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है। किसके? दर्पण के। दर्पण को हमेशा ही सही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि दर्पण हमेशा ही अच्छे और बुरे दोनों ही रिजल्ट देता है। जहाँ दर्पण लग जाता है वो अपना इफेक्ट देना शुरू कर देता है। दर्पण का काम क्या है कि उस एरिया को एक्सटेंड करना यानी एनहांस करना, बढ़ाना। आप अपने घर में दर्पण कहाँ लगाएं? हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी दर्पण लगाए तो दर्पण हमेशा उत्तर की दीवार पर यानी नॉर्थ की दिशा में कहाँ पर लगना चाहिए? नॉर्थ में और ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट जोन में, इन तीन दिशाओं में ही दर्पण लगाना चाहिए। बाकी इन दिशाओं के अलावा आप कहीं भी दर्पण लगाते हैं तो उसका ही हमेशा नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं। कुछ जगह कम नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं और कुछ जगह बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका मिरर किस जोन में कितने डिस्टेंस पर लगा हुआ है और उसके सामने कितना ओपन स्पेस आता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी दर्पण किचन के सामने नहीं लगाना चाहिए। आपकी किचन मान लीजिए साउथ ईस्ट जोन में बनी हुई है और आपने अपना दर्पण नॉर्थ वॉल पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा दिया है, तो आपकी पूरी की पूरी किचन उस दर्पण में प्रतिबिंबित होकर, रिफ्लेक्ट होकर नॉर्थ ईस्ट की ओर चली जाती है, जिसे वास्तुशास्त्र में गलत माना गया है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किचन के सामने मिरर को ना लगाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आजकल अपने घर को मॉडर्न लुक देने के लिए वार्डरोब को, जितनी भी रूम के अंदर वार्डरोब बनती है, कपबोर्ड बनती है, उनके ऊपर कंप्लीट मिरर लगा लिया जाता है। वो मिरर ईस्ट वॉल पर है या साउथ वॉल पर है या वेस्ट वॉल पर है या नॉर्थ वॉल पर है, जैसा रूम है, जिस दिशा में अलमीरा बनी है, अलमीरा पर पूरे के पूरे मिरर लगा देते हैं। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है। कभी भी बेडरूम के अंदर मिरर नहीं होना चाहिए, दर्पण नहीं होना चाहिए। जब भी बेडरूम के अंदर दर्पण लगा लिया जाता है और वहाँ पर जो व्यक्ति सोता है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती। जैसे थका हुआ सोता है वैसे ही थका हुआ सुबह उठ जाता है और उस व्यक्ति के काम भी प्रॉपर पूरे नहीं होते। कहीं ना कहीं स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि बहिंता कर्ज भी सिर चढ़ जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके साथ ऐसी स्टेज है तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी दर्पण बेडरूम के अंदर ना लगाएं। यदि आपने बेडरूम में दर्पण लगाना है तो दर्पण इस तरीके से लगाना चाहिए जिसमें कि बेड आपका नज़र ना आए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप वहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप अपने बेडरूम के अंदर मिरर लगाएंगे, दर्पण लगाएंगे तो वो ईस्ट वॉल पर या नॉर्थ वॉल पर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर लगाएं और उसके ऊपर एक कर्टन जरूर लगाएं। ये इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। कर्टन लगाने से होगा क्या कि वो एरिया यानी दर्पण अपना काम करना बंद कर देगा, जो उसका वो दायरा है वो दायरा बहुत कम हो जाएगा। कर्टन आपका नेट वाला, जाली वाला नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। जब आप रात को सोएं तो उस समय उस कर्टन को टाइट जरूर करें, दर्पण में आपका बेड नज़र ना आए। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप ऐसा करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। हमेशा ही दर्पण सही दिशा में लगाएं। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप, लेआउट, प्लान
बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या आप आर्किटेक्ट हैं या आप आर्किटेक्चर की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और वास्तुशास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पुस्तक मंगवा सकते हैं। हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में लिखी गई है और यह पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई है। आप इस पुस्तक को पढ़कर वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया है और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए हैं। आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर 380 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी उन सभी वीडियो को देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सर्विस हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।